छयात्मा राम कृष्ण रे भजय पृथक पृथक चकार इहा अपिर अर्थ कय आत्मा रामाश्च अपि करे कृष्णे अहेतुकी भक्ति मुनयः संतु इति कृष्ण मन ने आसक्ति। केवल ब्रह्मोपासक में पहला साधक आत्माराम, दूसरा ब्रह्ममय आत्माराम, ये साधक आत्माराम, दूसरा ब्रह्ममय आत्माराम, तीसरा प्राप्त ब्रह्म लय आत्माराम और चौथा मोक्षाकांक्षी गणों में मुमुक्षु आत्माराम। साधक आत्माराम, ब्रह्ममय आत्माराम, प्राप्त ब्रह्मलय आत्माराम, मुमुक्षु आत्माराम। चारी पांच भक्ति द्वारा जीवन्मुक्त आत्माराम तथा छे प्राप्त स्वरूप आत्माराम। तो ये छह आत्माराम गण श्री कृष्ण का भजन करते हैं। उनके लिए भुक्ति मुक्ति आदि की आशा त्याग कर श्री कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से कृष्ण सेवा की धारणा की संभावना बहुत कम हो सकती है, किंतु वे भी श्री कृष्ण गुणाकृष्ट होकर श्री कृष्ण का भजन करते हैं। ऐसे परमाश्चर्यमय गुण ही है श्री कृष्ण भगवान की पाकर परम आश्चर्यमय गुण अच्छे। ये पांच कैटेगरी जो आम प्रथम चिंता कले ये ही अविद्या ग्रंथी हीन होती माने भगवान गोटे स्पेशली निज आड़ टाणुंट जहाँफल भगवान पाखे भक्ति किंतु जो माने संसार रही से माने संपूर्ण रूप से निर्ग्रंथ हो पारे ना आर कहीं चित्त पूरा शुद्ध ही था। इनके लिए भुक्ति मुक्ति आदि की आशा त्याग पूरा भुक्ति मुक्ति सब त्याग कर दो आम बाबा जिते कहले भी जिते कहले भी भुक्ति आमको कौन दरकार भोग कौन दरकार आमको मुक्ति आम कौन दरकार किंतु अंतर रे भीतर रही केमी उद्धार हो जाती भीतर भीतर रोच मनटा एट तो भगवान जानुंत ना पूर्ववासना रही अनुसार यूर कि उद्धार है पूर्व बासना युक्त जितक जंजाल जी कष्ट एथर कि उद्धार है मन रोच कि ना हेड़ा अच्छी मान तो अविद्या ग्रंथीन कड़े से जिते कहले भी भुक्ति मुक्ति हीन कहले संभव हम से आती हुई तो सेमानंग पाई कौन होती किंतु वे भी श्रीकृष्ण गुणाकृष्ट होकर भगवान गुण प्रति आकृष्ट होकर श्रीकृष्ण का भजन करते हैं। श्री हरि के ऐसे परमाश्चर्यमय गुण है कि उनमें आकृष्ट होकर जो प्राप्त ब्रह्मलय आत्माराम गण प्राप्त ब्रह्मलय आत्माराम गण है वे प्राप्त ब्रह्म लय होकर भी एवं अविद्या ग्रंथिहीन होते हुए भी मननशील होकर पुरुक्रम श्री कृष्ण की अहेतुकी अहेतुक अर्थ होती कृष्ण सुखैक तात्पर्यमय भक्ति किया करते और कौन विशेष किसी असुविधा नहीं तो भक्ति कर द्वितीय श्री हरि के ऐसे परमाश्चर्यमय गुण है कि उनमें आकृष्ट होकर जो ब्रह्ममय आत्माराम गण है वे ब्रह्ममय होकर भी एवं श्रीकृष्ण की अहितुकी भक्ति करते हैं। तीसरा श्री हरि के ऐसे परमाश्चर्य गुण है कि जो मुक्त साधक आत्माराम गण है वे मुक्त साधक होकर भी एवं श्रीकृष्ण की अहित भी भक्ति करते हैं। गुरु आओ श्रीकृष्ण हाँ कौन प्राप्त कौन कहो ना हाँ श्रीकृष्ण के ऐसे परमाश्चर्य गुण है कि जो भक्ति प्रभाव से जीवन मुक्त आत्माराम गण है वे जीवन मुक्त होकर भी श्रीकृष्ण की अहित की भक्ति करते हैं। प्राप्त कौन ना श्री हरि के ऐसे परमाश्चर्य गुण है कि जो प्राप्त स्वरूप आत्माराम गण है वे प्राप्त स्वरूप होकर भी श्रीकृष्ण की अहित की भक्ति करते हैं। श्री हरि के ऐसे परमाश्चर्य गुण है कि जो संसारी अर्थत मुमुक्षु आत्माराम गण है वे मुमुक्षु होकर भी
एवं शास्त्र विधि ही न होते हुए भी मननशील होकर श्री कृष्ण के अहित की भक्ति किया जाए। जितने व्याख्या होती है सब कटी दी हो केवल तो लगे दिया जो कृष्ण चरण में ही अहित की भक्ति कृष्ण आत्मिक सुख सुखे सुखी ये हो क्या आत्मा आओ कितने केवल पंडित को पंडित अहंकार को गर्व को ही भांगिया पूर्ण करने भगवान ये सब व्याख्या किसी काम नहीं तो धर्म अच्छी केशरी प्रकार अर्थ शुणा कहीं शुण कौन शुण प्राप्ति प्राप्ति सेवा मन को अहंकार आगु जो अहंकार कर अर्थ को नहीं श्रम मत तार सारे सब समाधान महाप्रभु चर्चा तार सार होती केवल ही जी जो स्थित अच्छी से स्थित कृष्ण महान तार गुण अच्छी समग्र आकर्षण तो महानता गुण विषय भगवान विषय जानवा सब बड़ कथा ये कथ अर्थ जाना भी बड़ कथ बाबा गोटे जिनस कहले जो जो तेर प्रकार आत्मा राम गुण विषय कहले श्रीकृष्ण में केवल निष्ठा मात्र को प्राप्त करते हैं किंतु पाखे ममता बुद्धि आसे भगवान तेर प्रकार जो कहले कौन फरक किसी कहले ना से विषय किसी नहीं तेरटा गोटे समस्त कहले कि निर्गत शून्य बोले समस्त कहले ना तेरटा कौन इसीलिए वे भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन के प्रेम सेवा को भी प्राप्त नहीं कर पाते अर्थात दास्य सख्यादि चारों भाव से श्रीकृष्ण भजन नहीं कर सकते उनके उपास्य पर व्योमाधिपति श्री नारायण ही होते हैं और वे पर व्योम में सारूप्यादि चारों प्रकार की मुक्तियों को ही प्राप्त करते हैं। अब अगले प्यार में आत्मा शब्द का अर्थ मन करके आत्मा राम श्लोक का अर्थ करते हैं। इतना तो गोटे आत्मा आत्मा शब्द व्यापक ब्रह्म को कले एवं मन ऊपर करिए आत्मा शब्दे मन कहे मने जे रमी साधु संगे से भजे श्री कृष्ण चरणी। आत्मा शब्द का अर्थ मन है अतः आत्मा राम का एक अर्थ है जो मन में रमण करता है अर्थात जो मनो राम गण है वे भी साधु संघ के प्रभाव से श्री कृष्ण के चरणारविंद का भजन करते हैं। इस प्यार में मन में रमण करने वालों को मनोराम या आत्माराम कहा गया है। ये कौन है? यहां उन उपासकों से तात्पर्य है जो हृदय स्थित जीवांतरजामी पुरुष में रमण करते हैं। जो अंतर्जामी रूप से प्रत्येक जीव के हृदय में अवस्थान करते हैं और जो प्रत्येक जीव की बुद्धि शक्ति के प्रवर्तक हैं, उनका जो ध्यान करते हैं उनको ही इस प्यार में मनोराम या मन में रमण करने वाले कहा गया है। अर्थात बुद्धि शक्ति के प्रवर्तक हृदय स्थित अंतर्जामी सूक्ष्म ब्रह्म का जो ध्यान करते हैं वे मनोराम हैं। वे भी साधु कृपा को प्राप्त करके श्री कृष्ण का भजन करते हैं। से भी एक आत्मा राम से भी साधु सेवा पाए से भी कृष्ण सेवा पाए आप भी हो जो स्थिति धारण करेंगे इंद्रिय रमण करु मन रमण करु बुद्धि रमण करु आत्मा रमण करु जो रमण को नहीं कृष्णकर यदि कृष्ण प्रतिपात कर हाँ ना कौन बस सीधे ही बाबा।
ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ 61 ପ୍ରକାର କହିବାର ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି କିଏ 10 ପ୍ରକାର ନା 15 ପ୍ରକାର କରିକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ଭଟ ତାହେଲେ ସେ ଚୁପ ହେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଉଠୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି କହିଚାଲ ସେ କହିଚାଲିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ତମାମ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସାତ ଦିନ କହିବାରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେ ସାତ ଦିନ ବସିକି ସ୍ଥାନ ହେଇକି ଶୁଣିବାରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଥରେ ପଟଙ୍ଗ ତିନି ଥର ପଟଙ୍ଗ ତାକୁ ବୁଲିଲେ କି ନାହିଁ ପଚାରି ପକଉଛେ କି ନାହିଁ ତିନି ଥର ଚାରି ଥର କହିଲେ ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ ଆମେ କହୁଛେ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଧାରାବାହିକ ସପ୍ତାହ ସାତ ଦିନ ପରେ ସେ ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ସେ ମଝିରେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟି 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 ଅର୍ଥ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କେତେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦକ୍ଷତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି ଆଗରେ ମୁଁ ଏଭଳି ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ ଏଭଳି ବିଦ୍ୱାନ ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରତିପାଦନ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତକୁ ସେ ଏଇଟା ପ୍ରତିପାଦ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟତା ହିଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଆସିଯାଉଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତମର କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତମ କଥା ଶୁଣିବାରେ ଦେଖିବାରେ ତମର କେତେ ବଳ ମୁଁ ମାପୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିପାଇଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ ଶୁଣିକି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ନିରାଟ କଥା କାହିଁକି ଯଦି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାନ୍ତେ ସେ କହିନଥାନ୍ତେ ଯେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିଦେବୁ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଯାହା ପଢୁଛ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ବୁଝିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଁ କେତେ ମିଳିଲା ଯାହା ପଢୁଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ସରଳ କରୁଛି ଏ ସରଳଟା ବୁଝିପାରୁନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁନି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ପଢିବା ଅର୍ଥ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟା କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସାଧୁଟା ପଢୁତ ମୁଁ ବୁଝିଯାଉଛି ମାନେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କଥା ଅଛି ଯାହା ପଢୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ବଢୁଛି ଘଡୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି ଛାତ୍ର ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ସବୁ ବାକ୍ୟଟା ତାର ଅଛି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ କରିବ ଏଟା କଥା ଅଛି ନିଜ ତାର ଦୈନତା ରୁହ ମୁଁ କିଛି ଏଥିରେ ନୁହେଁ ଯାହା ହିଁ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ତାହା ହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଏ ଭାବ ଦୀପନ ହେଉଥିବାର ଅଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବେଳେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଭାବଟା ଭଗବାନ ସେଥିରେ ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ସେ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଅହଙ୍କାରକୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ 12 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି ଅର୍ଥ ଯଦି ମୁଁ କହୁଥିବି ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଯୋଉ ଅର୍ଥ କରୁଥିବି ନୂଆ ନୂଆ ଏ ପଛରେ କରୁଥିବା କଣ କଣ ଭଗବାନ କହିଲେ 61 ପ୍ରକାର କଣ କିଛି 61 ପ୍ରକାର ନୁହଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କହୁଥିବେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ହେଲି କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛୁଟି କରିନାହାନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ନିତ୍ୟ ନବନବାୟମାନ ନବନବାୟମାନ ହଉଛି ଏଇଠି ଅର୍ଥ 61 ପ୍ରକାର କଣ ସରିଗଲା ଆଉ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାହା କେବଳ କେବଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ
ବୈନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ କିଛି ନୁହେଁ ସର୍ବପ୍ରଜା ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଏତିକି ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଶ୍ୱରୀ ପ୍ରକାର କରିକି ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିକି ପୁରା ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୁନା ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ऐसे मनोरमणकारी आत्मारम गुणों के अस्तित्व का प्रमाण अच्छा प्रमाण कौन तथा ही श्रीमद भागवते 10:87-19 उदरमुपासते यरुषिवत्वसुकूर्पदृश परिसर पद्धति हृदय मारुणयोदहरम् तत उदगालनं तव धाम शिरः परमं पुनरियजत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे वेदस्तुति हाँ वेदस्तुति हाँ ऋषि संप्रदाय में स्थूल दृष्टि ऋषिगण उदर मध्यस्थित मणिपुरस्थ ब्रह्म का अथवा क्रियाशक्तिदायक वैश्वानरंतर जामी का ध्यान किया करते हैं। अरुण के पुत्र आरुणी ऋषिगण देह में वर्तमान नाड़ी समूह जहाँ से विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होती हैं, उस हृदय में अवस्थान करने वाले सूक्ष्म तत्व की अर्थात ज्ञान शक्तिदायक जीवांतर जामी की उपासना करते हैं। हे अनंत, उसी हृदय से ज्योतिर्मय सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक ऊपर गई है। वह सुषुम्ना नाड़ी आपकी उपलब्धि का स्थान है। उस सुषुम्ना नाड़ी को प्राप्त कर लेने पर फिर इस संसार में मृत्यु के मुख में नहीं पड़ा जाता है। वेद कहते भगवान तो चैतन्य चुंबनी टुकार कहते तंत्र शास्त्र के मतानुसार नाभि में मणिपुर नाम का एक पद्म है। यह 6 चक्रों में से एक चक्र है। ब्रह्म स्वरूप से इस पद्म में भी अवस्थित ब्रह्म स्वरूप से इस पद्म में भी अवस्थित है। इस श्लोक में पूरा उपासना द्वारा उदर मध्यस्थित मणिपुर नामक पद्म में अवस्थान करने वाले ब्रह्म की उपासना को ही लक्षित किया गया है। अथवा श्री गीता 15:14 अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। इस श्लोक से पता लगता है कि श्री भगवान ही वैश्वानर रूप से उदर में अवस्थित होकर चव्य चोष्य लेह एवं पेय इन 4 प्रकार के अन्नों को पचाते रहते हैं एवं क्रिया शक्ति दान करते हैं। अतः उदर उपासना से इस क्रिया शक्ति दाता वैश्वानर की उपासना भी समझी जाती है। हृदय की अपेक्षा उदर स्थूलतर होने से उदर के उपासक गणों को कूर्प दृश या स्थूल दृष्टि कहा गया है। एटी कॉल ना कूर्प दृश उदर मुपासते यरुषिवत्वसुकूर्पदृश कूर्पदृश माने बाबा इति कहुचंती स्थूल दृष्टि संपन्न पर परिसर पद्धति हृदय मारुणयोदहरम् तत उदगादनं ततव धाम शिरः परमम् पुनरिहजत समेत्य न पतन्ति कृतांत मुखे। इडा माने ये जो इडा पिंगला से तो सुषुम्ना नाड़ी मध्य भाग रही जे कि पूरा ब्रह्मानंद्र पर्यंत सत्रार पद्म पर्यंत जाउछंती आ जो माने ए उदर माने दहराकाश रे उपासना करी ध्यान करी 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 तापरे सुषुम्ना नाड़ी युक्त है कि जेतेबेले ब्रह्मानंद्र रे प्रवेश करी जांती से माने आउ आसंदिनि फेरी के आउ आसंदिनि वेद स्तुति करथुनी भगवान। तो हृदय की अपेक्षा उदर स्थूल तरोन से उदर के उपासक गणों को कूर्प दृश या स्थूल दृष्टि कहा गया है। परितः चारों ओर सरंती प्रसारित होती है इति परिसराहा नाड़ी समूह एक स्थान से सब ओर प्रसारित होती है
अतः नाड़ी समूह का नाम परिसर है। परिसर पद्धति अर्थात नाड़ी समूह की पद्धति अर्थात मार्ग या रास्ता, इसका तात्पर्य हृदय से है। गुह्य तथा लिंग के मध्य मध्यम का जो दो उंगली परिमाण स्थान है उसे तंत्र शास्त्र मत में मूलाधार कहते हैं। यह मूलाधार ही शरीर की समस्त नाड़ियों का मूल स्थान माना गया है। समस्त नाड़ियां मूलाधार से उत्थित होकर सारे शरीर से फैली हुई हैं। इन नाड़ियों में ईड़ा पिंगला एवं सुषुम्ना श्रेष्ठ मानी गई हैं। ईड़ा एवं पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी का स्थान है। यह सुषुम्ना मेरुदंड के बाहर अवस्थित है। मूलाधार से आरंभ होकर हृदय में से गुजरती हुई यह सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर पर्यंत जाती है। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते में अवस्थित होने से हृदय को परिसर पद्धति स्वरूप कहा गया है। इस हृदय में जो सूक्ष्म तत्व अवस्थान करता है वह जीवांतर्यामी है, जिसका अंगुष्ठ परिमाण विग्रह है। जीव के हृदय में रहकर बुद्धि वृत्ति को प्रवर्तित कर वह ज्ञान शक्ति दान करता है। इसी श्लोक की टीका करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद ने निम्नलिखित श्रुति वचन को क्रम संदर्भ में उद्धृत किया है। महान प्रभु भ्रुवैर महान भ्रुवैर पुरुषः सत्तस्यैव प्रवर्तकः अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। इसी अंगुष्ठ परिमाण हृदय स्थित जीवंतर्जामी सूक्ष्म तत्व की आरुणी ऋषिगण उपासना करते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी परम ज्योतिर्मय है, जो मूलाधार से हृदय में होती हुई ब्रह्मरंध्र तक गई है। उस नाड़ी के जोग से जो ब्रह्मरंध्र तक प्राणों की गति को चढ़ा लेते हैं वे उपासक मोक्ष को प्राप्त करते हैं अर्थात मृत्यु के गाल में नहीं पड़ते। अन्य नाड़ी सब संसार भ्रमण का द्वार है, अतः सुषुम्ना नाड़ी को अमृतत्व या भगवत उपलब्धि का रास्ता या स्थान कहा गया है। हृदय का अर्थ है मन। उक्त श्लोक से जाना जाता है कि आरुणि ऋषिगण हृदय या मन स्थित सूक्ष्म तत्व की उपासना किया करते हैं अर्थात हृदय या मन में रमण करते हैं, अतः वे मनोरमण कारी या मनोराम कहे जाते हैं। एहो कृष्ण गुणाकृष्ट महामुनि हैया अहेतु की भक्ति करे निर्ग्रंथ हैयाम। इस प्रकार मनोरामगण महामुनि होकर भी साधु संग कृपा से निर्ग्रंथ होते हुए भी श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति करते हैं। आत्माराम शब्द का अर्थ मनोरामगण करने से आत्माराम श्लोक का 14वां अर्थ इस प्रकार से होगा। श्री हरि के ऐसे परमास्पद गुण है कि जो बुद्धि शुद्धि के प्रवर्तक हृदय मध्य स्थित अंतर्जामी सूक्ष्म ब्रह्म का ध्यान करने वाले मनोरामगण व आत्मारामगण हैं। वे चाहे कोई अविद्या ग्रंथि ही न है, चाहे कोई विधिहीन है, सब श्री कृष्ण मननशील होकर पुरुक्रम श्री कृष्ण की अहित की भक्ति किया करते हैं। आत्मा शब्दे जत्न कहे जत्न करिया मुनियोपि कृष्ण भजे गुणा कृष्ण हैया। अब आत्मा शब्द का अर्थ जत्न करते हैं, प्रथमे सचिले ब्रह्म तापरे मन एवं जत्न। आत्मा शब्द का अर्थ जत्न करते हुए श्लोक का एक अन्य अर्थ करते हैं। आत्मा राम अर्थात जत्नाराम, जो अत्यंत जत्नशील है, जो अत्यंत आग्रह के साथ प्रारब्ध कार्य संपादन के लिए जत्न करते हैं वे मुन जत्न कर जत्न निष्ठा आसला कड़े निष्ठा नसु कड़े उपर को जीवे कड़े तो वे मुनि भी तपस्वी भी श्रीकृष्ण गुणों में आकृष्ट होकर उनका भजन किया करते हैं। तपस्वीगण भी जत्न करके श्रीकृष्ण का भजन करते हैं। तथा ही भागवत तस्यैव हेतो हो प्रियते तको विदो न लभ्यते जत भ्रमता मुपज्जत।
तस्य हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपद्यत तल्लभ्यते दुःख वदन्त्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रन्नसा। ऊपर ब्रह्मलोक तक और नीचे स्थावर जोनि पर्यंत भ्रमण करने पर भी जीवगण जिसे प्राप्त नहीं कर सकते उस भक्ति सुख की प्राप्ति के लिए जत्न करना ही बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है। दुख की भांति विषय सुख तो अद्भुत शक्ति संपन्न पूर्व के कर्मों के फल से बिना किसी चेष्टा किए अपने आप ही सर्वत्र आकर उपस्थित होता है। अतः विषय सुख को तो प्राप्त करने के लिए जत्न का प्रयोजन ही नहीं है। विषय सुख प्राप्त करने जत्न करिया दरकार नहीं कहते तार माने कौन बाबा से प्रारब्ध बस स्वयं आसीजे स्वतः आसीजे प्राणी पूर्व कर्म फले जाचीबू देता ही बोले चिंता कले प्राप्त हम न तथा ही भक्ति रसामृत सिंधो पूर्व विभागे साधन भक्ति लहरजाम अचिरादेव सर्वार्थ सिद्ध्यतीशामभिप्सित सद्धर्म श्यावबोधाय जेशां निर्बंधिनी मति ही। भगवत धर्म के निगूढ़ तत्व को जानने के लिए जिनकी बुद्धि अतिशय आग्रहशालिनी है अर्थात यत्नशील है उनके ही अभिलषित समस्त विषय शीघ्र सिद्ध हुआ करता है। भक्ति सुख अथवा भगवत धर्म के जानने के लिए या परमार्थ वस्तु को पाने के लिए जीव को अत्यंत यत्नशील होना चाहिए किंबा जो इस प्रकार जत्नशील हैं, उन्हें भी भक्ति सुख श्री कृष्ण की चरण सेवा की प्राप्ति होती है। यह बात ऊपर के दोनों श्लोक में कही गई है। देखा जाए तो वास्तव में जत्न की सार्थकता भी इसी में है कारण कि दुख के लिए तो कोई जत्न करता नहीं चेष्टा करता नहीं चेष्टा करना तो दूर दुख की कोई इच्छा मात्र भी नहीं करता। तथापि जो दुख पूर्व के कर्मानुसार आना होता है वो आ ही पड़ता है कोई उसे रोक नहीं सकता। सांसारिक सुख के लिए हम यथासाध्य जत्न या चेष्टा करते हैं किंतु जिस सुख के लिए हम चेष्टा करते हैं वही सुख हमें प्राप्त हो ऐसा नहीं होता। कर्मानुसार जिस सुख ने आना होता है वही मिलता है। सुख आता है कर्म फल से जीव के जत्न से नहीं। जीव की चेष्टा सुखोद्गम की उपलक्ष्य मात्र ही है सुख का कारण नहीं। अतः सुख की चेष्टा न करने पर भी सुख अपने कर्मानुसार मिलता ही मिलता है किंतु भक्ति सुख को कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना जत्न या बिना चेष्टा प्राप्त नहीं कर सकता। सबका चेष्टा करूं सुख में चेष्टा करूं प्रभु कृपा कर भल हो संपूर्ण भाव सुधार आशीर्वाद सीटा कृपा से कृपा से रूप सुखे सुखी भक्ति अंग दादन करने जत्नशील जत्नशील क्रिया दिए जत्नशील चिंता कर एमती कौटी गोटे समस्या हम आम कहीद आम झील रांड हेले कथा प्रसिद्ध हम बोली तेणु आम भक्ति जिनस कौन ताको जत्न करार साधन कौन ये सब माप
शास्त्रोक्त विश्वास अच्छी सृष्टि जन शक्ति भगवान अच्छा विश्वास अच्छी केमी जत्न कराए मानवाई भक्ति करने समर्पित हाप अस्मा शास्त्र प्रमाण शास्त्र प्रमाण सब रही भक्त भी अच्छा कर आमको से रास्त जवाब रत्न विषय आत्माराम विषय को चर्चा चल तत्सुखे सुखी ये जो जादन सब रही जदन सब रही निजे माप काट सब माप ना नहीं माप से स्थिति से स्तर कौन सब चिंतन कर से स्थिति स्तर को से व्यक्ति को से प्रभु को भक्ति अंग जादन को चिंतन कर से कौटे आम कौटी कि नहीं से कौटे आम भुक्ति मुक्ति की वासना का या स्वसुख कामना का लेस मात्र भी जिस साधन में नहीं रहता केवल श्रीकृष्ण सुखे का तात्पर्यमयी प्रीति की तीव्र वासना जहां वर्तमान रहती है वहां ही परम करुण श्रीकृष्ण अपनी सुदुर्लभा भक्ति प्रदान करते तेषाम सतत जुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगं तम ये नामुपयांति ते श्री भगवान ने श्री अर्जुन के प्रति कहा मुझमें सदा आसक्त चित्त होकर प्रीतिपूर्वक जो भजन करते हैं मैं उनको ऐसा बुद्धि जोग दान करता हूँ जिसे वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama.
Thank you.